इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ईएमआई रेट्स वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपके साथ ऑल द बेनिफिट फीचर, क्या फी एंड चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज बताऊंगा ही। प्लस मैं अभी आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है ओनली फॉर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कैसे मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, और वीडियो को कंप्लीट देखते ही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि हम अपने चैनल से फाइनेंस रिलेटेड वीडियो, वेबसाइट डेवलपिंग से रिलेटेड वीडियो एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट एवं फीचर के बारे में। तो सबसे पहले जो बेनिफिट फीचर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपका वेलकम ऑफर से। वेलकम ऑफर ये है कि जैसे आपके पास कार्ड मिलता है, आपको 4000 माइल्स पॉइंट्स मिल जाते हैं, और जिसे माइल्स पॉइंट का यूज कहाँ पे करते हैं ये सारी चीज आपको आगे जानने को मिलेगा। इसके अलावा ये तो रही वेलकम ऑफर, इसके अलावा क्या है कि स्काई वार्ड माइल्स पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि अगर आपकी 150 रुपीज की स्पेंडिंग होती है इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन पे तो आपको 6 स्काई वार्ड माइल्स पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वही 150 रुपीज के स्पेंडिंग आपकी होती है डोमेस्टिक तो आपको 3 स्काईवर्ड्स माइल्स पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इसे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स बोल सकते हो। तो मैं इस वीडियो में इस स्काईवर्ड्स माइल्स पॉइंट्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज करूंगा। तो चलिए अगला बेनिफिट के बारे में जानते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि जो कैशबैक ऑफर है, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो आपको एक दिखता होगा ड्यूटी फ्री शॉपिंग, वहां पे जाकर जाके आप स्पेंडिंग करते हो तो आपको डायरेक्ट 5% का कैशबैक देता है। लेकिन इस पे आपको कंडीशन ये है कि अगर आपकी स्पेंडिंग 1 मंथ में 1000 रुपीज की होगी तो ही आपको उस पे 5% का कैशबैक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आप ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते, ज्यादा स्पेंडिंग कर दोगे, अगर ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं तो वहां पे आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, 1000 रुपीज पे ही आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, बाकी पे नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं जो स्काईवर्ड्स माइल्स पॉइंट्स आपको मिलते हैं इसका यूज आप कैसे कर सकते हो। इसका यूज एक एक्स्ट्रा चीज में कर सकते हैं, आप टिकट बुकिंग करने में कर सकते हो। अगला बात करते हैं बेनिफिट फीचर के बारे में, तो वो है आपका एयरपोर्ट लॉन्जेस को लेकर। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ही कार्ड का ये मेन पॉइंट है। एयरपोर्ट लॉन्जेस एक्सेस की बात करूं तो आपके ये डोमेस्टिक 25 लॉन्जेस एक्सेस है जहां पे आपको ये लॉन्जेस एक्सेस मिलता है मास्टर कार्ड लॉन्जेस प्रोग्राम में। जो एयरपोर्ट लॉन्जेस एक्सेस मिली है, कितनी मिली है डोमेस्टिक इंटरनेशनली ये जानते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक आपको मिलेगा ये आपको 2 मिलेगा, पूरे ईयर में 2 आपको लॉन्जेस एक्सेस मिलता है। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनली तो इंटरनेशनली आपको पर मंथ में आपको 2 मिल रहा है। इस क्रेडिट कार्ड में आप लॉन्जेस एक्सेस अर्न भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने विथ इन अ मंथ 10,000 रुपीज का यूज करते हो तो आपको 2 लॉन्जेस एक्सेस नेक्स्ट मंथ आपको फ्री मिलने वाले हैं। ये तो रही लॉन्जेस एक्सेस को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट फीचर के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट फीचर ये है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इससे आप सप्लीमेंट्री कार्ड इश्यू करवाते हैं, लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। ये कार्ड आपका कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड होगा, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी देता है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन देता है, ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट देता है, एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको एक्सेस। इसके बाद जो बेनिफिट है कुछ भी ऑन ईएमआई का, इसमें क्या मिलता है कि जैसे कि आपने कार्ड यूज करते हैं, आपने 5000 रुपीज का यूज कर लिया, उसके ऊपर का कोई भी अगर आप अमाउंट यूज करते हो तो आप चाहे तो उसे इजीली इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको 360 रिवॉर्ड पॉइंट्स की फैसिलिटी मिलती है, आपके वॉलेट में 360 रिवॉर्ड पॉइंट जैसे हो जाते हैं उसे आप इजीली रिडीम कर सकते हो। इसके अलावा डायल लोन का फीचर मिलता है कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो अप टू 5 लाख रुपीज तक की लोन ले सकते हो, अप 12 मंथ से 16 मंथ के टेन्योर के बेसिस विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती है। इसके बाद क्या है, बैलेंस ट्रांसफर का भी आपको फीचर देता है ये क्रेडिट कार्ड की। आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, अप टू 5 लाख रुपीज तक की बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हो, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट पे। इसके बाद बेनिफिट आपको ये है कि बैलेंस ऑन ईएमआई का सपोर्टेड, आपने बहुत सारे यूज कर लिया इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट और आपने मिनिमम पेमेंट करके बहुत बड़ी आपकी अमाउंट हो गई है, आप चाहते हो कि हाँ आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करके पे करना, तो उस कंडीशन में आपको प्रोसेसिंग फी का चार्ज आपको 0 लगेगा, कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं लेगा, और 5 लाख रुपीज तक की अगर आपकी अमाउंट हो गई है तो आप उसे इजीली ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। और भी बेनिफिट फीचर है वो भी जानेंगे। अगला जो बेनिफिट है ये है गोल्फ एक्सेस को लेकर। आपको विथ इन अ ईयर में आपको 1 गोल्फ एक्सेस आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बेनिफिट है, जितने भी गोल्फ गेम है वहां पे आपको 50% का ऑफ मिलता है, प्लस में
एवरी मंथ आपको गोल्फ लेसन भी आपको मिलता है फ्री में एक। इसके बाद क्या है कि आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको इंश्योरेंस भी कवर करता है। सपोर्टेड अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो या किस आप ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपकी कोई भी मिस हैपनिंग होती है उस कंडीशन में ये आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी कवर करता है। तो ये तो रही आपके इस बेनिफिट फीचर। अब हम जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में। फी एंड चार्जेज आपको साथ डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। ये जो फी एंड चार्जेज आपके पास लिस्ट आई होगी कि इस कार्ड की जो है एनुअली फी है वो है 3000 रुपीज़ की है। आपको अगर आपकी रिन्यूअल होता है सेकेंड ईयर भी आपका 3000 रुपीज़ का ही चार्ज लगेगा। कोई वेवर का कंडीशन नहीं है। कैश एडवांस चार्जेस की बात करूँ तो आपका 3% है। एडोन क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। ओवर लिमिट की चार्ज की बात करूँ तो 2.5% का चार्ज है। वही आपका GST भी लगने वाला है। लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो 100 रुपीज़ तक के आपके आउटस्टैंडिंग है तो आपको कोई चार्ज नहीं लेगा। 100 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ के बीच में है तो 100 रुपीज़ का चार्ज लगने वाला है लेट पेमेंट का। अगर आपका वही आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है 501 से लेकर 5000 तक का है तो 500 रुपीज़ का चार्ज लगता है। तो ये रही चार्जेज एंड चार्ज के लिस्ट। आप यूज करते हैं तो भी यूज करना चाहते हैं फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, आपको ये हेल्प करेगा। हम जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ये किसको किसको कार्ड मिल जाता है किसको किसको नहीं मिलता। उससे पहले मैं स्पेशल ऑफर आपके साथ शेयर करता हूं कैसे आपको स्पेशल ऑफर मिलता है और आपको ये भी शेयर करता हूं कि कैसे KYC पे मिलेगा। स्पेशल ऑफर पहले बता दूं तो ये स्पेशल ऑफर ये है कि अभी के डेट में अगर आप कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपको 1200 रुपीज़ का अमेजोन पे का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। विथ इन 30 डेज के अंदर में आपने सिंगल ट्रांजेक्शन में 1200 रुपीज़ का यूज करते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको KYC पे कार्ड मिलेगा। अभी के डेट में क्या है कि ड्यू टू द COVID-19 के वजह से क्रेडिट बैंक जो है डायरेक्ट विजिट करके डॉक्यूमेंट्स पिकअप नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो KYC के बेसिस पे कार्ड इशू कर रहा है। तो वीडियो KYC में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके KYC डॉक्यूमेंट्स नीड हो रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, तो यही 3 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भी आपको कार्ड मिल रहा है। तो अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ वीडियो KYC होगा और उसी बेसिस पर मिल जाएगा जिसमें ओनली फॉर KYC की नीड हो। तो ये दोनों रही ऑफर। अब हम जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ये अगर आपकी एज मिनिमम 21 ईयर है, मैक्सिमम 65 ईयर है तो आपको ये कार्ड मिल जाता है। सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को मिलता है लेकिन अभी के डेट में ओनली फॉर सैलरीड पर्सन को प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर डायरेक्ट बैंक से अप्लाई करते हो तो आप बात कर लेना, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पे भी मिल जाएगी। सैलरी बेसिस के जो क्राइटेरिया है, मिनिमम आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए 1 लाख पर मंथ एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी पर एनम की जो ITR फाइल होनी चाहिए वो आपका 12 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। इसके अलावा जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया KYC लगेंगे। अदरवाइज जब आपका ये प्रोसीजर, अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हो, बहुत ही लेट वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं लेकिन अभी के डेट में वीडियो KYC के बेसिस पे ही कार्ड दे रही है। इसके अलावा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से अप्लाई कर लेना। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाकर बैंक के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आप हमारे चैनल्स के किसी भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो। ऐसे मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बना रखी है, तो आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को जरूर देख लेना और जो भी आपको परफेक्ट लगे उस कार्ड को आप ले सकते हो। कोई भी अगर डाउट हो कभी भी तो आप हमारे इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो। हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।